नमस्कार। देखिए, पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली कॉल्स कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे और बहुत सारे लोगों के मेरे वीडियोस पर कमेंट आ रहे थे और हर कोई यही बोल रहा था कि धोलेरा की फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से धोलेरा की फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ। तरीका वही, इस ग्राउंड रिपोर्ट का कंपैरिजन हम पिछली ग्राउंड रिपोर्ट से करेंगे और आपको पूरी कोशिश करेंगे बताने की कि धोलेरा में नया क्या क्या हुआ है, किस गति के साथ काम चल रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं और क्या क्या काम नया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में नहीं जानते, तो धोलेरा स्मार्ट सिटी हमारे भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो कि गुजरात में बनके तैयार हो रही है। अगर आपको इस स्मार्ट सिटी के बारे में और भी कुछ जानना है तो ऊपर आ रहे आई आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोस देखकर धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में एक एक चीज समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी इस धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश कर सकते हैं और यह वीडियो आपके निवेश में बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। जब भी हम धोलेरा की विजिट पर आते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर इस ब्लू बोर्ड पर जाती है। इस ब्लू बोर्ड पर क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्यूचर में यहाँ से धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8 किलोमीटर की दूरी पर बनके तैयार होगा और ये रास्ता आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा। फिलहाल हम एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली ग्राउंड रिपोर्ट में हमने उस एरिया को कवर किया था जहाँ पर एयरपोर्ट बनके तैयार होगा। अभी वहाँ पर कोई काम चालू नहीं है तो वहाँ जाना व्यर्थ होगा। आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का बोर्ड है और अब अभी हम सीधा जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। एक और बोर्ड आपको देख रहा होगा, इस बड़े बोर्ड के पीछे इस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ से धोलेरा स्मार्ट सिटी की लिमिट शुरू होती है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जाएंगे TP2 के एक्टिवेशन जोन के अंदर। आपको शायद पता होगा कि पूरे धोलेरा में अभी जो काम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ TP2 ईस्ट के अंदर ही चल रहा है। TP2 में दो पार्ट आते हैं, एक वेस्ट और ईस्ट, लेकिन अभी जो फिलहाल ग्राउंड रियलिटी पे आपको काम देखेगा वो सिर्फ TP2 के एक्टिवेशन जोन के अंदर ही दिखेगा। बगल में जो आप बिल्डिंग्स देख रहे थे वो बिल्डिंगें हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ें मिल सकती हैं। वहाँ पे होटल्स भी हैं, ATM भी हैं, बैंक भी हैं। तो आप फ्यूचर में जब भी धोलेरा विजिट पर आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सारी ज़रूरतों की चीज़ें मिल सकती हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उतने ही नज़दीक पहुंच जाएंगे एक्टिवेशन जोन के अंदर। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस ग्राउंड रिपोर्ट का हम कंपैरिजन अपनी पिछली ग्राउंड रिपोर्ट से करेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहां पर काम कितनी तेज़ी से चल रहा है और क्या क्या इंप्रूवमेंट और इन्हेंसमेंट अभी तक हुआ है। फिलहाल आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही है। एक सामने बिल्डिंग है और इसके पीछे भी एक बिल्डिंग बन रही है। JCB मशीन भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे अंदर की तरफ काम कर रहे थे। और फिलहाल जो सामने बिल्डिंग है वाइट कलर की, इस एरिया को हमने अपनी पिछली ग्राउंड रिपोर्ट में भी कवर किया था। और जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन बन रहा है। पिछली ग्राउंड रिपोर्ट में जब हमने इस एरिया को दिखाया था तो इतना काम इस एरिया का नहीं हुआ था। यहाँ पर ना तो पूरी तरह से रोड बन के तैयार था, ना ही ये फुटपाथ। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पूरा फुटपाथ बन के तैयार है, लेबर अभी भी काम कर रही है, रोड पूरी तरह से बन के तैयार है और बिल्डिंग का पूरा काम हो चुका है। बिल्डिंग में मुझे लगता है 1% भी काम अभी शेष नहीं है। और इसके आसपास का भी मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूं कि जब हम पिछली ग्राउंड रिपोर्ट यहां बनाने आए थे तो हमें यहां से यूटर्न लेना पड़ा था, क्योंकि आगे के रास्ते पूरी तरह से बनके तैयार नहीं थे, कच्चे रास्ते थे और जगह जगह काम चल रहा था, तो हमने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी पूरी तरह से ये रास्ते बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं फुटपाथ का काम चल रहा है, रोड पूरी तरह से बनके तैयार है और फुटपाथ का भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक उन्होंने काम कर दिया है, फिनिशिंग वर्क रह चुका है, वो भी शायद जल्दी ये खत्म कर देंगे। लेकिन आप देखिए कितना सुहाना मौसम है। एक बात धोलेरा की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ के मौसम का मैं दीवाना हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ आसपास बड़ी शांति है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, जो हमें काफ़ी सारी चीज़ों से बचाता है। और आप देख रहे होंगे कि अभी जो है मौसम है वो मानसून का मौसम है, मतलब बरसात बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में। तो आपको पूरे धोलेरा में काफ़ी जगह पर पानी भरा हुआ दिखेगा, तो उस पानी को आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि अभी मैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए एक मोटर रखी हुई है और पाइप के थ्रू पानी को निकाला जा रहा है और उस पानी को यूज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब साफ है भैया कि धोलेरा के अंदर एक भी पानी की बूंद को वो व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। जो बारिश हुई है उस पानी को उन्होंने जगह जगह इकट्ठा कर लिया और आसपास के जो काम चल रहे हैं उस पानी को वो यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कितनी पॉजिटिव चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुझे लगता है पहले कभी आपने इस तरीके का काम शायद ही किसी भी प्रोजेक्ट में देखा हो कि जो पानी वर्षा है उसी पानी का यूज कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग शायद इसको नेगेटिव ले सकते हैं कि भाई जगह धोलेरा में तो जगह जगह पानी भरा है। तो अब आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि धोलेरा पे वो पानी को एक एक बूंद को यूज कर रहे हैं।
तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे का भी आपको दिखाएंगे कि कैसे। आप देख सकते हैं कि सामने बहुत सारा मटेरियल आपको दिख रहा होगा, डक्स दिख रहे होंगे, ब्रिक दिख रहे होंगे, आपको पाइप्स भी दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि पूरे धुलेरा में इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। फिलहाल आप जो ये ब्रिक्स देख रहे हैं, ये जो आप ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक्टिवेशन जोन का ही हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे एक्टिवेशन जोन के अंदर उन्होंने रोड के नीचे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े ब्रेक्स, बड़े बड़े डक्स लगाए हैं, जिससे सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ICT, ये सारे सुविधाएं आप तक आसानी से पहुंच पाएं। आप देख सकते हैं एक सामने हमें बिल्डिंग दिख रही है, ये भी एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनके तैयार हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसके आसपास काफ़ी लेबर वर्क भी हैं जो काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं और आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि जो लोग बोलते हैं कि भाई धुलेरा में काम नहीं चल रहा है, तो आप देखिए कि धुलेरा में जगह जगह ऐसे लेबर आपको दिखेंगे। और ऐसे सिर्फ एक दो या चार जगह नहीं है, पूरे एक्टिवेशन जोन के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लेबर दिखेंगे जो ग्रुप में काम कर रहे होंगे। आप आगे देखिए, आपको आगे बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, बेसिकली उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो बोलते हैं कि धुलेरा में कोई काम नहीं चल रहा है, ये सिर्फ अफवाह बनाई जा रही है कि धुलेरा में काम चल रहा है। तो सच्चाई आपके और उनके सामने है, अब आपको किसी की नहीं सुननी। आपको सामने दिख रहा है भाई कितना सारा काम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप, पेड़ों को भी अगल बगल रोड के दोनों तरफ लगा दिया गया है और कितनी अच्छी तरीके से खूबसूरती के साथ इस पूरे एक्टिवेशन जोन को तैयार किया जा रहा है। और इसी की तर्ज पर पूरा धुलेरा बनेगा, एक बात आप अपने ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन जोन को वो अच्छा बना देंगे और दूसरे एरिया को थोड़ा बेकार बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा धुलेरा इसी तर्ज पर बनके तैयार होगा। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं आर्टिफिशियल रिवर की तरफ। जब हम पिछली बार आर्टिफिशियल रिवर की तरफ आए थे, तो ये दोनों तरफ के आप जो रास्ते देख रहे हैं, ये फुटपाथ के रास्ते, ये बनके तैयार नहीं थे। और यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें थी जो बीच में हमें गाड़ी ले जाने में बहुत अड़चनें पैदा कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बस स्टॉप भी बन चुके हैं, पेड़ पौधे भी लग चुके हैं और काफी सारी सफाई, क्लीननेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंप्रूवमेंट के तौर पर दिखेंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बारीकी से यहाँ पे तैयार कर दी गई हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि देखिए धुलेरा में आपको साइकिलिंग ट्रैक हर पूरे रास्ते में देखने को मिलेगा। आप कहीं पर भी धुलेरा का कोई भी रोड देखेंगे, चाहे वो एक्टिवेशन जोन का हो चाहे फिर वो बाहर का, आपको हर जगह फुटपाथ के पास साइकिलिंग ट्रैक देखने को मिलेगा, आपको वॉक करने के लिए एक ट्रैक देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और पेड़ पौधों की संख्या भी आपको काफ़ी सारी देखने को मिलेगी, जिससे कि लोगों को कहीं भी आने जाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। पूरे धुलेरा का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल एक तरीके से बैलेंस रहेगा। कहीं पर भी आप जाएँ, कहीं पर भी आप आएँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो आपकी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, ना तो आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ना तो आपको ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, और ना ही आपको आने जाने में रोड रास्तों की प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। आप कभी भी कॉल करेंगे तो मैं आपको ऑन द स्पॉट, ऑन द कॉल सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। और अभी आप देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल रिवर में अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं आपको दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि कब हम उस एरिया में आए और मैं आपको वो चीज़ दिखा पाऊँ जो पिछले ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था। फिलहाल देखिए, सामने एक बस खड़ी है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग विजिट करने जब आते हैं तो वो ग्रुप में आते हैं। और देखिए कितने सारे लोग, एक बस अगर आई है तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक बस में कितने सारे लोग आए होंगे। और ये जो बस है वो शायद कहाँ से आई होगी वो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर बस से लोग आए हैं तो ऑब्वियस है कि काफ़ी दूर से ही आए होंगे और ग्रुप में ही आए होंगे। अभी आप देखिए, ये आर्टिफिशियल का नज़ारा है, कितना सुंदर आपको ये आर्टिफिशियल दिख रहा होगा। मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने खुद रियल में देखा था तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितना सुकून मिलता है जब इस आर्टिफिशियल रिवर के आसपास हम आते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंस कि पिछले जब हम ग्राउंड रिपोर्ट का हमने कैप्चर की थी उसमें और अब में कितना डिफरेंस है। देखिए, पिछली बार जब हम आए, ये जो आपको लीनियर डेवलपमेंट दिख रहा है इस आर्टिफिशियल रिवर के साथ में, वो डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। जैसी भी उस टाइम पे काम कर रही थी, इनिशियल स्टेज पे वो था, लेकिन अभी शायद वो फाइनल स्टेज पर है। वो फिनिशिंग वर्क केवल रह चुका है, बाकी उन्होंने ग्रिल भी लगा दी, ये लीनियर डेवलपमेंट भी कर दिया, रोड रास्ते भी बनके तैयार हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगा दी हैं और इसके आगे के भी रोड उन्होंने बना के तैयार कर दिए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ से ट्रैक्टर निकल रहा है और ये रास्ते भी पूरी तरह से बनके तैयार हैं। तो एक बात साफ है कि जो लोग बोलते हैं कि धुलेरा में भाई काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, या जो बोलते हैं कि धुलेरा में बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये ग्राउंड रिपोर्ट वो लोग देखें और उनको डिफरेंस पता लगे और उन्हें पता लगे कि सच्चाई क्या है। फिलहाल अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, ये जो रोड रास्ते आप देख रहे हैं, ये इन रोड रास्तों में हम पहले भी आए हैं, लेकिन अभी
जो चेंजेस आए हैं इस रोड रास्ते में, वो काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पिछली बार आए थे तो ये जो जिस रोड रास्ते पे हम जा रहे हैं ये रास्ता बनके तैयार नहीं हुआ था। हम अपोजिट साइड से गए थे, मतलब हम अपोजिट साइड से जाना पड़ा था, क्योंकि ये जो रास्ता अभी हम जहाँ से जा रहे हैं ये पूरी तरह से बनके तैयार नहीं था। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि पूरा रोड उन्होंने अब पूरी तरह से बना के तैयार कर दिया। पिछली बार ये रोड बन के तैयार नहीं था और बहुत कम टाइम में, तो इससे एक पता लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर धुलरा के बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें टाइम टू टाइम देखने को मिल रहे हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है धुलरा को लेकर। फिलहाल अभी मैं वो आपको एरिया दिखाऊंगा जहां पर हम पिछली बार आए थे और मैंने अच्छी तरीके से उस एरिया को कैप्चर किया था, और मैं वो आप एरिया आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना बड़ा चेंज उस एरिया में आया है। क्योंकि मुझे लगता है अगर हम डिफरेंस पता करना चाहते हैं तो हम तभी कर सकते हैं जब हमें पिछले इमेजेस मिले या पिछले वीडियोज़ मिले हैं, मतलब 3 महीने के या 4 महीने के या साल भर के, तभी हम पता लगा सकते हैं कि कितना चेंजेस आया है। अभी आप देखिए, ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बनके तैयार है, और मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार हम यहाँ पे आए थे ये रास्ता इतनी अच्छी तरह से बनके तैयार नहीं था, बहुत ही उबड़ खाबड़ था। यहाँ पे केवल सीवेज ड्रेनेज और जो डकिंग का काम है वो उस टाइम पे चल रहा था, लेकिन अभी इस रास्ते का पूरी तरह से काम खत्म हो चुका है, और आप जो जेसीबी मशीन काम कर रही है वो शायद फुटपाथ के लिए काम कर रही है। फुटपाथ वो शायद इस तरफ बनाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि पूरे धुलरा में आपको रोड के दोनों तरफ फुटपाथ नजर आएंगे। अब आप कंपैरिजन देखिए, देखिए पिछली ग्राउंड रिपोर्ट में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके चारों तरफ कितना कीचड़ था, पूरा खुला एरिया था, वहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि गड्ढे थे, लेकिन अभी वहाँ पर मशीन खड़ी है। ये रास्ता देखिए, ये रास्ते में केवल आपको ट्रंक और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नजर आता था, डकिंग का काम नजर आता, लेकिन अभी ये रास्ता पूरी तरह से बनके तैयार है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लग चुकी हैं और लोग भी आ जा रहे हैं, मशीनें भी आ जा रही हैं, मतलब आप देखिए ये चेंजेस हमें बहुत ही कम इस प्रैक्टिकली तरीके से देखने को मिलते हैं। ये आप देखिए बस स्टॉप, ये भी उस टाइम पे नहीं बना था लेकिन अभी ये पूरी तरह से बनके तैयार है। तो ये सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि किस तरीके का धुलरा के अंदर काम चल रहा है। देखिए ये जो पानी अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे धुलरा के अंदर उन्होंने जगह जगह पर पानी इकट्ठा कर रखा है, और इसी पानी को वो यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं बार बार कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, और इनसे लोगों को सीखना चाहिए कि देखिए जब सरकार इतना बचत कर रही है, मतलब देखिए सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन पानी की बचत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना पानी खरीदने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता लेकिन पानी जरूर खर्च होता है, और अगर हम पानी को बचा रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिछली बार हम इस रास्ते से गए थे तो आप देख सकते हैं कि इस उस टाइम पर फुटपाथ वहाँ पर रेडी बन के तैयार नहीं था, लेकिन अभी फुटपाथ पूरी तरह से बन के तैयार है। आप देखिए जो पिछली बार बस स्टॉप आधा अधूरा था लेकिन अभी पूरी तरह से बनके तैयार है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एक एक सेकंड के साथ पूरा कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, अभी हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशन पे, जो मेन सब स्टेशन है एक्टिवेशन जोन का, वहां मैं आपको लेके चल रहा हूं। आप रास्ते भी देख सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ रास्तों में, पहले कच्चा रास्ता था लेकिन अभी पूरी तरह से फिनिशिंग वर्क के साथ आपको पूरा रोड नजर आ रहा होगा। और हम जैसे ही राइट हैंड साइड में मुड़ेंगे, हम जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशन पर, जो एक्टिवेशन जोन का मेन सब स्टेशन होगा। और आप देख सकते हैं रोड पहले बहुत कच्चा था लेकिन अब बहुत अच्छी, देख सकते हैं कितना फिनिशिंग वर्क के साथ रोड तैयार है। दोनों तरफ जो ब्रिक्स आपको देख रहे हैं वो फुटपाथ के लिए है, पिछली बार भी रखे थे लेकिन इस बार दोनों तरफ के फुटपाथ रेडी हैं। देखिए पिछली बार फुटपाथ में काम चल रहा था और सामने आप देख रहे हैं, पहले हमें बिल्डिंगें नजर नहीं आ रही थी, आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक सेकंड के साथ मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूं। सामने हमें जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है वो वहां पे हमें बिल्डिंगें नजर नहीं आ रही थी, केवल ग्राउंड पर थोड़ा बहुत काम हुआ था लेकिन अब उन्होंने 2-3 मंजिल तक बिल्डिंग भी बना दी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, यकीन मानिए इतनी तेजी से काम जो चल रहा है धुलरा के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक्टिवेशन जोन जल्दी हमें ऑपरेशन लेवल पर देखने को मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि अब एक्टिवेशन जोन के अंदर कंपनी अपना काम शुरू करना चाहती हैं, जैसे कि टाटा ने शुरू कर दिया और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो अपना काम शुरू करेंगी। फिलहाल मैं अब आपको दिखाता हूँ डिफरेंस कि आप देखिए, जब हम आए थे तो आप देखिए केवल बाउंड्री वॉल बनके तैयार थी, 2-3 मंजिल तक उन्होंने इमारत बना दी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा कच्चा रास्ता था, पूरा ये जो था बिल्कुल मड के साथ था, बहुत कीचड़ था यहाँ पे, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा चेंज है कि पूरी तरह से यहाँ पे रास्ते बनके तैयार हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी लगा दिए, यहाँ तक कि बॉल की भी पेंटिंग कर दी गई है। पेंटिंग हम कब करते हैं, जब हमारा फिनिशिंग वर्क खत्म हो जाता है, कि हमें पता लगता है कि अब हमें कोई दूसरा काम नहीं करना है, तब हम पेंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने पेंटिंग भी कर दी है, और डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा एनहेंसमेंट इंप्रूवमेंट इस एरिया में हुआ है। मैं जब आया था तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम पैदल चल रहे थे क्योंकि गाड़ी की एंट्री अलाउ नहीं थी, क्योंकि रोड और रास्ते उस टाइम पे
बनके तैयार नहीं थे, अभी पूरी तरह से बनके तैयार हैं। आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं हाईटेक पावर लिमिटेड का बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछली बार में ही मैंने यहाँ से कैप्चर किया था, अभी मैंने यहाँ से कैप्चर कर रहा हूँ और मैं आपको अब यहाँ की हाइट दिखाता हूँ, मतलब लंबाई दिखाता हूँ इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन की, कितना दूरी तक बनके तैयार हो रहा है। आप देखिए, आप देखेंगे तो आपकी जहाँ जहाँ तक अभी निगाह जा रही होगी उतनी ही दूरी तक ये पूरा बनके तैयार होगा और इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी सारी अच्छी है, काफ़ी सारे बड़े एरिया में यह बनके तैयार हो रहा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पाइप नजर आ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, ये पाइप ये वायर भी हो सकती है और ये पाइप भी हो सकते हैं जो कि हमारे रोड के अंडरग्राउंड फैसिलिटी के तौर में हमको मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली किस चीज़ के यूज के लिए ये पाइप आए हैं, लेकिन इतना अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी के तौर पर ही हमको मिलेंगे। अभी मैं वो रोड दिखा रहा हूँ कि जब हम पिछली बार आए थे उस रोड में और अभी मैं कितना कंपेरिजन, कितना डिफरेंस है। आप देखिए, कंपेरिजन अगर हम करते हैं तो दो चीज़ को लेकर करते हैं। पहला कंपैरिजन ये होता है कि भाई कितना काम हुआ है, दूसरा कंपैरिजन ये होता है कि भाई कि उसके आसपास भी कितना काम हुआ है, मतलब जिस लोकेशन पे हम चल रहे हैं वहां का काम तो ठीक है, हो सकता है वो पहले भी सेम हो, अब भी सेम हो, लेकिन आसपास कितना काम हुआ है तो अभी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, पिछली बार जब मैं यहां से आए थे तो पहली बार तो ये रोड पूरा कच्चा था और अब हम आगे बढ़ रहे थे तो आगे एंट्री बिल्कुल ब्लॉक थी, लेकिन अभी आप सामने देख सकते हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग यहां पे बनके तैयार हो रही है और इसके आसपास के रोड भी, रास्ते भी बनके तैयार हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे काफी सारी मशीनें भी हैं, जेसीबी मशीन है, यहाँ पे आपके रोलर भी हैं, यहाँ पे ट्रक भी आपको देख रहे होंगे सामने से आ जा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारे लोग विजिटर्स के फॉर्म में भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद इंजीनियर्स हों तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ भी दिखेंगी। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे काम चल रहा है और ये जो एरिया है यहाँ पे पिछली बार कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रक भी खड़े हैं, लोग भी हैं, लेबर भी हैं और इस टाइम पे यहाँ पे काम चल रहा है। इसका मतलब यही है कि धौलेरा अपनी प्रोग्रेस पर है और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर में जो भी यहाँ पे निवेश कर रहा है या फिर कर चुका है उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आप में से जो भी देख रहा है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके मन में कोई भी क्वेरी है धौलेरा को लेकर, आपको कहाँ पे करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है या कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको क्रॉस चेक करने हैं, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, जब भी मुझे उस नंबर पे कॉल करेंगे मैं ऑन द कॉल ऑन द स्पॉट आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, मतलब इस एरिया में काम तेजी के साथ चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रक हमें सामने से दिख रहे हैं, बहुत सारे ट्रक निकल रहे हैं और बहुत सारी चहल पहल भी हमें वहाँ को देखने को मिल रही है। तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पे चल क्या रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे राइट हैंड साइड में खुदाई का काम चालू है, बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं, वहाँ पे टीन सेट्स के घर भी हमें दिख रहे हैं। तो मतलब साफ है कि भाई लेबर यहाँ पे फोकस के साथ काम कर रही है। जी हाँ, आप जैसा मैंने कहा था, देखिए आप वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, जेसीबी मशीन से अपना काम कर रही है, लेबर भी वहाँ पे खड़ी हुई है और लेबर की संख्या भी काफ़ी सारी अच्छी है, अंदर तक वो काम कर रहे हैं। और रोड के किनारे से अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि रोड के किनारे पर एक टेम्प्ररी दुकान भी खुली हुई है उनके खाने पीने की चीज़ को लेकर। तो मतलब साफ है, अगर यहाँ पर टेम्प्ररी दुकान किसी ने खोली है तो यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छे फॉर्म में काम चालू है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेबर आती होंगी इसलिए इसने दुकान खोल रखी है यहाँ पर। हो सकता है कि इस एरिया को जल्दी से जल्दी ये डेवलप कर दें और हमें पता लगे कि एक्चुअली यहाँ पे बन क्या रहा है। तो फ्यूचर में हम आपको इस एरिया को जरूर दिखाएंगे, हम जब भी दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट लेके आएंगे इस एरिया को हम जरूर दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या बन के तैयार हो रहा है। खैर, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस एरिया में जहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनके तैयार हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमने पिछली ग्राउंड रिपोर्ट में भी इस एरिया को कवर किया था, लेकिन उस ग्राउंड रिपोर्ट में यह रोड बनके तैयार नहीं था। खैर, अगर आप सामने देखेंगे तो ऊपर उस बिल्डिंग की छत पर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर भी काम चल रहा है, बिल्डिंग के बाहर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस एरिया को तेजी के संग डेवलप किया जा रहा है। चूँकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो बेसिक कम्युनिटीज़ में आता है, शायद इसको और तेजी के संग डेवलप करेंगे और जल्दी से जल्दी यह बनके तैयार हो जाएगा। और अगर हम कंपेयर करें पिछली ग्राउंड रिपोर्ट से तो आप देख सकते हैं कि पिछली ग्राउंड रिपोर्ट में सिर्फ हमें इस एरिया में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो बिल्डिंग है उसका सिर्फ बाउंड्री वॉल हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी उन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी बना दी, रोड रास्ते भी बना के तैयार कर दिए और काफी सारा एनहेंसमेंट इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम लगभग 60-70% तक कंप्लीट है और जल्दी से जल्दी आने वाले समय में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, जब मैं बात करता हूँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तो उससे हमारा क्या मतलब होता है, कई सारे लोग सोचते होंगे कि ये वाटर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सहायता से आपके घरों तक साफ सुथरा पानी पहुंचाया जाएगा। कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर जो धुलेरा है वो समुद्र के किनारे है, तो क्या हमें खारा पानी उपयोग करना पड़ेगा? तो उनकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूरे धुलेरा के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखने को मिलेंगे और इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सहायता से आपके घरों तक बिल्कुल साफ सुथरा हेल्दी पानी पहुंचेगा, जिससे उस पानी को आप पी भी सकते हैं और किसी भी चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जैसा हमसे वादा किया गया था, चाहे वो धुलेरा अथॉरिटी ने वादा किया हो, चाहे फिर वो गुजरात गवर्नमेंट ने हमसे कमिटमेंट किया हो, या फिर भारत सरकार ने हमसे कमिटमेंट किया हो, इन सब कामों को देखकर हमें लगता है कि वो सारे कमिटमेंट अब धीरे धीरे धुलेरा के अंदर जमीन पर उतारे जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि पूरे धुलेरा में आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, और शायद ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि आज के पहले मैंने तो कभी किसी प्रोजेक्ट में इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सुविधाएं नहीं देखी। तो जो भी नया है, जो भी इस ग्राउंड रिपोर्ट को पहली बार देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे धुलेरा के अंदर इस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को दिया जाएगा और पूरी धुलेरा को इसी ही तर्ज पर कंप्लीट किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जो आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लंबे चौड़े रोड हमें दिख रहे हैं, और अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे ट्रक आ जा रहे हैं, और वो जो एरिया है राइट हैंड साइड में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एलएनटी का स्टॉक एरिया है। एलएनटी का जो स्टॉक एरिया होता है, एलएनटी वहाँ पर खुद अपना मटेरियल बनाती है और धुलेरा के अंदर यूज करती है। इससे होता क्या है, इसे देखिए समय की भी बचत होती है कि कहीं से माल मंगाना नहीं पड़ रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी का वेट करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि धुलेरा के अंदर जो क्वालिटी है उससे कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि धुलेरा एक डिग फ्री स्मार्ट सिटी है। इसलिए यहाँ पर मटेरियल का बनाने का मतलब यह है कि एक तो आपने क्वालिटी भी सुनिश्चित कर दी और टाइम भी सुनिश्चित कर दिया, जिससे कि लोगों को वहाँ में काम करने में कोई दिक्कत ना हो। खैर, मैंने आपको बहुत सारा काम इस वीडियो में दिखाया है, मुझे लगता है कि वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश तो हो गया होगा और आपको एक बात का पता लग गया होगा कि धुलेरा में काम गति के संग आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अच्छे से देखा होगा और इसको आप अब बिल्कुल दिल से लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट को आखिरी तक जरूर देखा होगा, और इसको देखने के बाद शायद अब आपके मन में धुलेरा को लेकर कोई भी डाउट शेष नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, जैसे आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको वेरीफाई करनी चाहिए, ये सब, या इसके अलावा और भी कोई डाउट, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे जैसे ही कॉल करेंगे मैं आपको ऑन द कॉल, ऑन द स्पॉट आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बदले में मुझे बस आपसे चाहिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जब भी हम ऐसे वीडियोस डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।